जय श्री श्याम। स्वागत है आप सबका हमारे खाटू के राजा श्याम चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बाबा श्याम की अपने घर पर ही फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अरदास कैसे लगाएं। वैसे तो आप हर महीने की एकादशी, द्वादशी या किसी भी दिन बाबा श्याम की साधारण तरीके से अर्जी लगा सकते हो। आप सभी श्याम प्रेमियों की अरदास पूरी करेंगे बाबा श्याम। वैसे तो हर व्यक्ति किसी ना किसी वजह से परेशान है, जैसे घर में कलेश, नौकरी न मिलना, पैसों की तंगी, बिजनेस न चलना, शादी न होना, बच्चे न होना, ऐसी बहुत सी वजह है जिसकी वजह से हर व्यक्ति परेशान है। समस्या तो हर एक के जीवन में है, लेकिन समाधान का दरवाज़ा सिर्फ एक ही है। दुनिया में अनेकों दरवाजे हैं, लेकिन एक ही दरवाज़ा ऐसा है जिस पर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सभी हारे हुए भक्तों का केवल ये एकमात्र सहारा है। ये बैठा है खाटू में जो है सेठ सावरा। बाबा श्याम की अर्जी सरल तरीके से कैसे लगाएं, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा श्याम की अरदास लगाने की सरल विधि। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होय, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। सच्चे मन और सच्चे भाव से बाबा श्याम की अरदास लगाई जाती है। जो भी बाबा श्याम का भक्त बाबा श्याम की द्वादशी के दिन अरदास लगाता है, उसकी बाबा श्याम अरदास पूरी करता है। लेकिन बहुत सारे श्याम प्रेमी ऐसा भी बोलते हैं कि हमारी आज तक अरदास पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि हो सकता है आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की हो। सिर्फ और सिर्फ एक साधारण तरीके से है इसकी विधि, बहुत कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको सबसे पहले एक नारियल ले लेना है, और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पेन है ये बिल्कुल नया होना चाहिए, यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका यूज़ नहीं करना है। अरदास लिखने से पहले इसको कहीं भी चला के आपको नहीं देखना है। जब आप अरदास लिखोगे तो दुकानदार से सीधे खरीद के लाकर ही सीधे उससे अरदास लिखनी है, बाकी कुछ लिखना नहीं है इससे। ये मेरा यूज़ पेन है, मैंने इससे अरदास ही लिखी है, और मैं बाबा की अरदास लिखने के ही काम में इसको लेती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया है, दूसरा मैंने नारियल लिया है, तीसरा मैंने पेन, और मैंने उसके बाद 11 रुपए लिए और एक मूली लिया जिससे मुझे अपनी अरदास को कंप्लीट करना है, और मैंने एक लाल कपड़ा लिया है जिसमें मुझे अपनी अरदास को लपेट के रखना है। आप चाहें तो आप ऐसे ही मूली लगा के ही लपेट के रख सकते हो, लेकिन और आप अगर चाहते हो कपड़े में रखना तो आप लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा ले सकते हो जिसमें आप अपनी अरदास को लपेट के रख सकते हो अपने घर। जब आपकी अरदास पूरी हो जाए तो आप खाटू धाम या चुलकाना धाम, आप किसी भी धाम जो भी आपके घर के पास पड़ता हो आप वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बाबा श्याम की अरदास कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैंने तो अपनी अरदास को पहले से ही लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको अरदास लिखने से पहले जय श्री श्याम लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आप अपने अरदास को लिखकर और उसमें ही ये 11 रुपये, आप चाहे तो 21 रुपये, 51 रुपये और 101 रुपये भी आप अपनी अर्जी में रख सकते हो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, आप कितने की अरदास लगाते हो बाबा श्याम की। मैंने 11 रुपये की लगाई है, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है ताकि ये गिरे ना। ठीक, उसके बाद मैं इस पे ये मूली लपेटूंगी। मैंने इसको 7 बार लपेटा है, आप 5 बार भी लपेट सकते हो इसको, मैंने ये 7 बार लपेटा है ताकि इसमें जो मेरी अर्जी है और इसमें पैसे हैं वो गिरे ना। बहुत अच्छे से मैंने इसको बांधा है। उसके बाद मैंने एक कपड़ा ले लिया है जिसमें मैं अपने बाबा श्याम की अर्जी को लपेट के रखूँगी, और हो सके तो आप भी इस तरह से लपेट के रख सकते हैं ताकि ये कहीं गिरे ना।
और इस अर्जी को अपने पास तब तक आपको रखना है जब तक आपकी मन्नत पूरी ना हो, आपकी अरदास पूरी ना हो। उसके बाद आप खाटू धाम, चुलकाना धाम, जो भी बाबा श्याम का मंदिर आपके पास पड़े, अगर आप ये बोलते हो कि बाबा श्याम मेरी अर्जी पूरी हो जाती है, मैं खाटू धाम आऊँगी आपके आपको अर्जी चढ़ाने के लिए, तो आप खाटू धाम चले जाना। और आप बोलते हो बाबा श्याम मेरे पास कोई भी चुलकाना धाम या आपका खाटू धाम पास पड़ता है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। आप अर्जी लगा के अपने घर में रख सकते हो। अपने घर के मंदिर में अर्जी कैसे लगा के रख सकते हो, ये मैंने इसकी विधि बताई है। आप इसको अपने घर के मंदिर में ही ऐसी जगह रख दो ताकि इसको बार बार आपको उठा के इधर उधर ना रखना पड़े। बाबा श्याम के चरणों में इसको रख दो। आपके मंदिर में बाबा श्याम की प्रतिमा होगी या फिर कान्हा जी का, वो कान्हा जी आपने बिठाए हुए होंगे अपने घर में, तो आप रख सकते हो इनको वहाँ पर। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको अर्जी लगाते समय पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे बाबा श्याम इस अरदास को पूरी कर देंगे। तब आप, अगर आपके मन में सच्चा विश्वास और भाव है तो ही आप अर्जी लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना। आपको अरदास लिखते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको अपनी अरदास में नहीं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जब आप अपनी अरदास लगाओ तो उसमें ये नहीं लिखना है कि मुझे बाबा श्याम नौकरी नहीं मिल रही है या मुझे बाबा श्याम नौकरी मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप ये लिख सकते हो बाबा श्याम मेरे नौकरी लगवा दो। कहीं भी आपको अपनी पूरी अरदास में नहीं का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी अपनी अरदास में कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं किया। तो बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, एक साधारण तरीके से अपने बाबा श्याम की अरदास लगानी है। बाबा श्याम की अरदास लिखते समय अगर आपसे कुछ गलत लिख जाता है तो उसको काटना नहीं है, उसको क्रॉस नहीं करना है। आप दूसरा पेपर लें, उस पर जय श्री श्याम लिखकर अपनी श्याम बाबा के लिए अरदास लिखनी शुरू करें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।